अस्सलाम वालेकुम। ओके सो आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है सेट टोपोलॉजी की इस लेक्चर सीरीज में, और आज का टॉपिक है जी सेकंड काउंटेबल स्पेस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को देखा था, अब हम सेकंड काउंटेबल स्पेस को देखेंगे। तो फर्स्ट करें, आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसको हम एज यूजुअल एक्स स्टार लिखते हैं, एक्स सेट है और टा इस पर डिफाइन होने वाली टोपोलॉजी है। इसको सेकंड काउंटेबल स्पेस कब कहेंगे या सेकंड एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी ये सेटिस्फाई कब करेगा? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेसिस, देयर एग्जिस्ट, तो लिख लेते हैं जरा प्रॉपर से, अ काउंटेबल बेसिस फॉर दिस टोपोलॉजी टा, काउंटेबल बेसिस बी फॉर टोपोलॉजी टा। ठीक है, अगर कोई काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट करती है इस टोपोलॉजी के लिए, देन सिंपली आपने कह देना कि ये सेकेंड काउंटेबल स्पेस है। ठीक हो गया। अच्छा देखें, ये बेसिकली आप अगर इसको ऑब्जर्व करें ना, तो ये एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है। जो हमने फर्स्ट काउंटेबल स्पेस पढ़ी थी वो एक एलिमेंट के लिए थी ना, सेट के एलिमेंट के लिए, तो वो एक लोकल प्रॉपर्टी थी, बट ये होल सेट के लिए है, तो ये बेसिकली ग्लोबल प्रॉपर्टी है। एग्जांपल्स पे आते हैं डायरेक्टली, मेरे ख्याल में इसमें और कोई चीज़ नहीं है ऐसी कुछ। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो एग्जांपल पहली ये देखी थी, अगर आपका सेट फाइनाइट है तो उसके लिए जो आपकी टोपोलॉजी आप उस पर कोई भी डिफाइन कर दें तो वो क्या होगी? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगी। अगेन अगर आपका सेट फाइनाइट है जिस पर आप टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसके लिए कोई ना कोई हमें काउंटेबल बेसिस मिल जाएगी ना। देन एक्स स्टार इज सेकंड काउंटेबल स्पेस लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, चूंकि जो बेसिस होती है ना इसी के सबसेट से मिलकर बनती है ना, एक्स के सबसेट से। तो अगर एक्स सेट इस सेट भी फाइनाइट है इटसेल्फ ही, तो जहरी बात है उसकी कलेक्शन भी फाइनाइट ही होगी। कोई भी आप सबसेट की कलेक्शन ले रहे हैं तो फाइनाइट होगी। तो सिंपली आप इस पर कोई भी टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास हमेशा सेकंड काउंटेबल स्पेस ही बनेगी। इसी तरह से आप आगे आ जाएं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये है कि आप एक टोपोलॉजी स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ी थी इस लेक्चर सीरीज के बेसिक्स ही है, जी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को कहा जाता है। ठीक है, या इसको यूजुअल टोपोलॉजी भी कह लिया जाता है, ये भी सेकंड काउंटेबल होती है। कैसे होती है देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज सेकंड काउंटेबल स्पेस, क्यों, व्हाई? तो इसका आंसर देखें जी, क्योंकि इसके लिए हमें सिंपली एक काउंटेबल बेसिस मिल जाती है। अगर आप, मैं एक बेसिस डिफाइन करना चाहता हूँ जी, इसके लिए सबस्क्रिप्ट मैक्स लिखते हैं। अच्छा जी, बेसिस क्या है? आपके पास तमाम के तमाम ओपन इंटरवल्स ए कॉमा बी सच दैट, आपके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ना ए और बी, ये रैशनल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रैशनल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो आप जानते हैं जो रैशनल नंबर का सेट है ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल बाउंड्री पॉइंट्स जब आप होंगे आपके पास तो अगेन काउंटेबल आ जाएगा सेट। तो इटसेल्फ ये जो बी एस है ना, ये हमारे पास जो कलेक्शन बनेगी ये एक काउंटेबल कलेक्शन बनेगी, और ये इनफैक्ट आपके पूरी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को जनरेट भी कर देगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस केस में आपका जो स्पेस है वो सेकंड काउंटेबल स्पेस है। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स थी। अच्छा आप आगे देखें, ऑब्जर्व करें ज़रा डेफिनेशन की मदद से ही। अगर आपके पास काउंटेबल बेसिस मिल जाती है फॉर होल सेट, यानी कि टोपोलॉजी होल के लिए ग्लोबली, तो देखें आपके पास जो हर एलिमेंट के लिए जो लोकल बेस बनेगी वो भी काउंटेबल ही होगी ना। ठीक है ना, ओके। तो इसकी मदद से हम एक रिजल्ट डिड्यूस करते हैं कि आपके पास जो सेकंड काउंटेबल स्पेस होती है वो हमेशा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी होती है। लिख लेते हैं इसको, एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज आल्सो अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एज वेल। ठीक है, इज आल्सो अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। अब रीज़न बता दिया आपका मैंने, क्योंकि अगर होल एज अ होल ग्लोबली वो कलेक्शन काउंटेबल है तो हर एलिमेंट के लिए भी सारी बातें काउंटेबल ही होगी ना। अच्छा जी, अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाना चाहें तो ये ट्रू नहीं है। ट्रू क्यों नहीं है, एक आपको काउंटर एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। बस करें जी, आपके पास ये आपके पास एक काउंटर एग्जांपल है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट करें जी, आपके पास एक सेट एक्स है जो कि अनकाउंटेबल है। सेट क्या है? अनकाउंटेबल है, और मैं इस अनकाउंटेबल सेट पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करता हूं जिसको हम क्या कहते हैं जी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी।
अनकाउंटेबल सेट पर मैंने डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर दी है। अब आप जानते हैं इसकी इस केस में डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में जो नेबरहुड बेस होती है, लोकल बेस इसको कहते हैं हर पॉइंट के लिए, ठीक है, हर पॉइंट के लिए जो नेबरहुड बेस वो एग्जैक्टली वही पॉइंट आ जाता है ना एज अ सिंगलटन सेट, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो कलेक्शन है बेसिकली काउंटेबल है, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, ठीक है। हमें हर पॉइंट के लिए कोई भी आप एक्स का एलिमेंट ले लें, वो के एक्स आपका अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर भी हम कोई भी उसका एलिमेंट पिक करें उसके लिए हमें जो लोकल बेस मिलेगी वो काउंटेबल मिलेगी। तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्पेस है ये फर्स्ट काउंटेबल है। लेकिन लेकिन इस केस में जब आप लेंगे ना एज अ होल ग्लोबली, जब आप इसकी बेसिस लेंगे, ठीक है, तो बेसिस में आपके पास अगेन डिस्क्रीट टोपोलॉजी केस में तमाम के तमाम पॉसिबल सिंगलटन सेट्स आ जाते हैं, और एक्स वेरी करेगा जी ओवर द सेट एक्स, क्योंकि ये सेट एक्स जो है ये अनकाउंटेबल है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो कलेक्शन बनेगी सिंगलटन्स की ये भी अनकाउंटेबल होगी। तो इसका मतलब है एज अ होल ये जो कलेक्शन है ये आपके पास अनकाउंटेबल आ गई है। क्या कलेक्शन आ गई है जी, अनकाउंटेबल। इसका क्या मतलब है, ये जो हमने स्पेस ली थी अनकाउंटेबल सेट पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन की थी, ये सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं है, ठीक है। फर्स्ट काउंटेबल है बट सेकंड काउंटेबल नहीं है। ओके, सो ये हमने पढ़ा था जी, ऊपर वाला जो रिजल्ट है इसकी एज अ काउंटर एग्जांपल। अच्छा जी, आगे आ जाएं, फिर अगेन दो रिजल्ट हैं हमारे पास, उनको देख के फिर वाइंड अप करते हैं। थ्योरम्स हैं जी आपके पास, नंबर वन है जैसा कि हमने उसमें भी पढ़ा था कि आपके पास हर सबस्पेस, लिख लेते हैं यहाँ पर, एवरी सबस्पेस ऑफ अ सेकंड काउंटेबल स्पेस इज अगेन अ सेकंड काउंटेबल, एवरी सबस्पेस ऑफ अ सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल, ठीक है, सेकंड काउंटेबल स्पेस, राइट। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट दूसरा रिजल्ट है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये है कि आपके पास अगर कोई अनकाउंटेबल सेट x है, x सेट क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, और इस पर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं जिसको कहा जाता है जी कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अनकाउंटेबल सेट पर आपने कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन कर दी है, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन गई है। ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं है, इज नॉट अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। क्यों नहीं है, अच्छा जी, इज नॉट अ फर्स्ट काउंटेबल, इसको वैसे इन डिटेल देखा जा सकता है। अच्छा जी, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में ये होता है कि आपके पास हर पॉइंट के लिए क्या होनी चाहिए, लोकल बेस जो है वो काउंटेबल होनी चाहिए। तो आप सेट ही अनकाउंटेबल है, बहरहाल खैर इसको देखा जा सकता है। वैसे टोपोलॉजी आप ये जो कोफाइनाइट डिफाइन की है यहाँ पर डेफिनेशन लिखें प्रॉपर से और उसकी मदद से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा रीजनिंग देनी पड़ेगी इसकी, बहरहाल फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं है तो इसका क्या मतलब है, क्या ये सेकंड काउंटेबल हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है, नॉट अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, हो भी सकती है बट इस केस में नहीं होगी, एंड सो नॉट सेकंड काउंटेबल, नॉट सेकंड काउंटेबल, ओके, सेकंड काउंटेबल स्पेस, ओके, राइट। वेल, इस चीज़ को इंशाल्लाह हम अपने अल्फा वेरिएंट में इन डिटेल देखेंगे कैसे ये बेसिकली फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड आउट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर से कुछ मजीद चीज़ें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।